आज दीपा श्रीवास्तव मेहंदी की एक नई ड्राइंग दिखाने जा रही है और ये मेरे पास कृतिका आती है 6th स्टैंडर्ड की। उसने नया क्लास ज्वाइन किया आज से मेरे पास मेहंदी का, और इसकी ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी है तो इसने फटाक से कैच कर लिया ड्राइंग बनाने, मेहंदी बनाने को। अब इसके एक ही दो क्लास हुए थे। वो वाली बुक कहाँ है बेटा आपकी? दूसरी वाली बुक जिसमें आपको पैटर्न सिखाए हैं, तो इनको इसको हमने पहले ईजी पैटर्न, सब सारे बच्चों को पहले ईजी पैटर्न सिखाते हैं जो भी मेहंदी क्लास में आता है। तो सबसे पहले हम उनको ये पैटर्न सिखाते हैं बॉक्स में बना करके। आप लोग भी घर में अपने बच्चों को ऐसे बता सकते हैं, जो ड्राइंग क्लास नहीं आ सकते वो घर पे भी इसको सीख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये देखिए, ऐसे बच्चों को अलग अलग बॉक्स बना करके आप ऐसे ऐसे पैटर्न, पहले स्टार्टिंग में सब पैटर्न देने हैं आपको। ये देखिए, ऐसा सर्कल में ये सारे स्क्वायर सर्कल में काम आते बनाने के लिए इस टाइप से। ये देखिए, ये सारे हम ऐसे पैटर्न उनको सिखाते हैं पहले, फिर एक दो दिन बाद उनको मेहंदी देते हैं। अभी मेहंदी दे दिया हमने आज इसको, और मेहंदी पे हमने ऐसे पेंसिल से हल्की सी ड्राइंग बना दी है। बेटा आप हटाइए थोड़ा सा पेन। ये देखिए, हमने हल्की सी ड्राइंग बनाई है ताकि वो अंदर से भरने वाला काम वो खुद करे। तो इसने कोन को पकड़ने का तरीका भी हम बताते हैं, जैसे आप पेंसिल पकड़ते हैं सेम ऐसे कोन पकड़ना है, ठीक है? बच्चे बहुत यहाँ से पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ते हैं तो उनको कमांड नहीं होता है, और जैसे पेंसिल पकड़ते हैं वैसा अगर पकड़ेंगे तो एकदम कमांड रहेगा बिल्कुल ऐसा। और बच्चों को ऐसे रगड़ना नहीं है ऐसे करके, और हाथ पे भी एकदम फील नहीं होना चाहिए, एकदम हल्के से हाथ से ऊपर से चलाना है कोन को, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इस टाइप से आपको कोन को चलाना है। ये देखिए, इस टाइप से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बनाया, ऐसे करते ये नहीं करना है, ये रॉन्ग है। बिल्कुल ऊपर से चलाना है इनको, बिल्कुल बिल्कुल फील नहीं होनी चाहिए हाथ पे, बिल्कुल उंगली हथेली बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि मैं कोन ऊपर चला रही हूँ, बिल्कुल ऊपर से लेना है ड्राइंग। ये देखिए, ऐसा इस टाइप से। तो ये सब बच्चों को बताते हैं, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं 6th स्टैंडर्ड के, लेकिन जब तक तो बड़े होंगे तब तक तो उनको काफ़ी अच्छा आ जाएगा इस टाइप से। तो ये बच्ची अभी आज पहले दिन कोन पकड़ना सीखी है और उसने काफ़ी अच्छा किया, तो हमने सोचा इसका वीडियो बना दें। ये देखिए, ये 6 की है, इसको फाइन आर्ट से MA भी करना है और JJ आर्ट्स में भी जाना है। तो ये ड्राइंग के हर सारे पैटर्न सीखना चाहती है। तो ड्राइंग में मेहंदी भी आता है, ड्राइंग में बहुत चीज़ें आती हैं, और अगर मेहंदी ऐसा सीख जाते हैं बच्चे तो घर में कोई भी फंक्शन होता है उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल मेहंदी का बहुत डिमांड हो गया है। रोड साइड पे मेहंदी बहुत महंगी और कॉस्टली लगाई जाती है, और धूप में बैठ के लगवाना पड़ता है, और इनको लगाने अगर आ जाएगा तो ये घर पे अपने अच्छे से लगा देंगे, अपनी मम्मी को, अपने फ्रेंड्स को, खुद को भी लगा लेंगे। तो ये देखिए, आज 1st डे इसका है, इसलिए इसको थोड़ा सा कोन पकड़ने में दिक्कत भी आ रही है, और हमसे बोलने लगी मैम हाथ दर्द हो रहा है। तो एक्चुअली इस जगह पर पेन होने लगता है जब हम कोन को दबाते हैं ना, इस पॉइंट पे पेन होने लगता है। ये भी मेरे बच्चे ने मेरे हाथ पे लगाया था, तो बच्चे इसे थंब से दबाते हैं तो काफ़ी प्रेशर पड़ता है, ऐसा नहीं लगता मेहंदी लगाना बहुत इजी काम है, ऐसा लगता है लोगों को, बट ऐसा इजी नहीं है, बहुत टफ है। और कमर भी काफ़ी पेन होने लगती है, इसलिए हम बच्चों को बताते हैं कि लेवल पे ड्राइंग करें, ज़्यादा झुके ना, और एक जब भी कुछ लें किसी को सामने लगा लगाना भी, आप लोगों को भी किसी को सामने लगाना हो तो एक ऊँचा सा जगह बना लीजिए ताकि आप लोग ज़्यादा झुके ना, सामने वाले को भी ऊँचे बैठा करके उसके हाथ को किसी जगह पर ऐसे रख करके तब बताइए। तो इस ड्राइंग को आप लोग और भी बच्चों को यार ड्राइंग क्लास में भेजिए मेरे, मेहंदी सिखाने के लिए भी, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी, क्राफ्ट के लिए भी। तो ये बच्ची मेरे पास बचपन से लोग आते हैं, तो अभी 6 में आ गए तो इनको मेहंदी सीखना है, अभी गर्मी छुट्टियाँ आने वाली हैं। तो आपको कैसा लगता है मेहंदी लगाना? बहुत ईजी और अच्छा लगता है। और आप कैसा लग रहा है लगाने में आज 1st डे आप कौन चला रही, तो कैसा लग रहा है? थोड़ा हाथ दुख रहा है लेकिन इजी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, पहले बार बना रही हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बाय, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू आज की वीडियो के लिए। ये भी देखिए, माय आर्ट बुक बना रही है। मुझे तो वीडियो बनाना इतना पसंद है, पर छोटे छोटे वीडियो बनाने के चक्कर में हम थोड़ी ड्राइंग बना पाते हैं, और मैं बात बहुत सारे बच्चों को बात करके ही सब चीज़ बताती हूँ। ये भी माय आर्ट बुक का पैटर्न बना रही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी इसका भी हम टॉपिक डालेंगे, अभी मेहंदी में हम दिखाना चाह रहे हैं, तो जो बच्चे मेहंदी में ये सब पैटर्न भी काम आता है, ये भी मेहंदी के पीछे पेटल्स में हम लोग लगा सकते हैं, फिर आप पिकॉक भी बना सकते हैं मेहंदी में। अभी मेहंदी के थ्रू ही हमने इसको माय आर्ट बुक डेकोरेट करने के लिए पिकॉक का पैटर्न उसको दे दिया है। और ये मैंगो बास्केट बना रहे हैं, इनको देखिए, ये छोटे बच्चे हैं 2nd में गए हैं, और मैंगो बास्केट हमने बोला है तो मैंगो बास्केट बना रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।